हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे क्रेन इंजेक्टर रिपेयरिंग के बारे में, उसकी जो डिमेंशन है कितनी रखनी है। तो देखिए, ये मेरे पास इंजेक्टर आए थे 568 के, टाटा सिग्मा BS6 के, जो टाटा सिग्मा में आ रहे हैं। और जो 369 है उसका भी मेजरमेंट सेम ही रहता है इंजेक्टर का, ये BS6 में आए हैं। और जो हमारे 369 होते हैं वो BS4 में आए हैं। तो 5 इंजेक्टर हमने रिपेयर कर लिए हैं। तो अब छः में इंजेक्टर है उसकी जो हम डिमेंशन वगैरह करनी है उसके बारे में बात करेंगे, किसकी जो इसको रिपेयर करना है, किस तरीके से करना है। तो ये होजिंग ली है हमने, देखिए इसमें जो सबसे पहले हम गैसकेट डाल देंगे। देखिए इसमें जो पार्ट सेट होता है 002 का, ये डालना है हमने। इसको डाल लेते हैं पहले, आगे का बताते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जो पार्ट सेट है वो उसमें डाल लिया इंजेक्टर में। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए जो नीचे यहाँ पे नोजल लगती है यहाँ पे ये कैप लगाना, इस तरीके से हमें ये कैप को लगा लेना है। इससे ये फ़ायदा होगा, जब हम इसमें कंट्रोलर बिठाएंगे तो कंट्रोल वाल जो है ज़्यादा आगे नहीं जाएगा अपनी पोजीशन पे, तो वो अपनी पोजीशन पे जाके बैठेगा, आगे नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा कंट्रोल वाल है, इसको हम फिट कर लेते हैं इस तरीके से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको कंट्रोल वाल को बिठाने के लिए ये जो कूलर होता है इसको लगा लेते हैं हम। इसको यहाँ पर जो थर्ड होते हैं चूड़ी होती है उस पर ऊपर बैठा लेना है, और इसको ऊपर से लगा के इसको पुश करना है। हम पुश कर लेते हैं इसको इस तरीके से। यहाँ पे हमने देखिए इसको जो कंट्रोल वाल को उसको बिठा लिया है। देखिए यहाँ पे हमने कंट्रोल वाल को बिठा लिया है। अब इसका जो रिलेटिंग नट है उसको टाइट करेंगे, टॉर्क के साथ करना है दोस्तों। जो भी नट हमने टाइट करना है टॉर्क के साथ ही करना है। अगर आप टॉर्क यूज़ नहीं करोगे तो आपकी जो डायमेंशन है कर रहे हो उसमें दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, और आपके रीडिंग में भी फ़र्क आएगा। तो आपको हर जो है टॉर्क से ही टाइट करना है। यहाँ पे देखिए अलग अलग साइज का अलग अलग टॉर्क है। तो ये स्टार बिट वाली है, यहाँ पे हम जो टॉर्क लगाएंगे 70 से 75 न्यूटन मीटर का लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है टॉर्क सेट कर लेते हैं हमारा, ये हमारा टॉर्क है, टॉर्क रेंच है। अगर आपको टॉर्क रेंच चाहिए उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हो। CRD के लिए टॉर्क रेंच है जो, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने जो इसका रिलेटिंग नट है उसको टाइट कर लिया है। और ये हमारी मैग्नेट असेंबली है, इसको में इसमें सबसे पहले जो है एक छोटी सी वॉशल आएगी, ये देखिए ये वॉशल हमने सेंसर में डाल लेनी है इस तरीके से। उसके बाद इसका स्प्रिंग है उसको लगा लेना है इस तरीके से। देखिए हमने इसको फिट कर लिया। उसके बाद जो इसका आर्मेचर है उसको लगा लेना है, ये हमने आर्मेचर है उसको लगा लिया है। उसके बाद जो इसका आर्मेचर फैन है उसको लगा लेना है। और दोस्तों उसके बाद जो हमारी एयर गैप वाशल है वो लगा लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये जो वाशल है छोटी ये लगा लेनी है, इसका भी हम बताएंगे क्या करना है, इसका कैसे चेंज करनी है। उसके बाद जो हमारा वॉल और वॉल गाइड है वो लगा लेनी है। देखिए स्टील की वॉल और वॉल गाइड है। इस तरीके से हमने इसको देखिए असेंबल कर लिया, मैगनेट असेंबली को। अब इसको हम फिट कर लेते हैं इस तरीके से। और इसकी डायरेक्शन का आपको देख लेना, जो साइड इसकी डायरेक्शन आएगी तो उसकी साइड आपको कर लेना, नहीं बाद में आपको गाड़ी पे प्रॉब्लम आएगी। देखिए हमने जो है डायरेक्शन सामने कर ली है जहाँ से हमने खोला था। और दोस्तों हम इसको टाइट करेंगे, इसको टाइट करने के लिए हमें 25 न्यूटन मीटर से 35 तक जाना है। पहले हमें 25 न्यूटन मीटर लगाना है। और आपकी रीडिंग है जो थोड़ी मोटी कम आ रही है, अगर आपकी डिलीवरी थोड़ी मोटी कम आ रही है तो आप 25 से 35 न्यूटन मीटर तक जा सकते हो। देखिए यहाँ पर हम जो है 25 न्यूटन मीटर लगाते हैं पहले। जैसे ही आप इसकी टॉर्क को बढ़ाओगे 25 से 30 35 करोगे तो आपकी जो डिलीवरी है वो बढ़ जाएगी। तो पहले हम मिनिमम लगाते हैं, अगर हमारी डिलीवरी कम आती है तो उसमें हम मैक्सिमम पे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने ये सोनाट जो है फिट कर लिया। उसके बाद इसकी जो देखिए यहाँ पे जो कपलर है ये लगा, इसको उतार लेते हैं। देखिए इस तरीके से आपको इसको निकाल लेना है। और यहाँ पर देखिए कि 10 नंबर का नट है वोल्ट है जो, उसको खोल लेना है 10 नंबर बेट से। देखिए हम इसको बेट से इसको खोल लेते हैं इस तरीके से, आप उसको खोल लेना है। तो देखिए हमने इसको लूज़ कर लिया, इसको निकालते हैं हम बाहर। कोई भी क्रेन इंजेक्टर है आप इस तरीके से रिपेयर करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रीडिंग में। आपके पास मशीन कोई भी अच्छा है, अगर आपकी लिफ्टिंग ठीक है तो गाड़ी पे बिल्कुल ओके आएगा, मशीन पे बिल्कुल ओके आएगा। तो देखिए यहाँ से हमने वो इसके अंदर एक बॉल होती है वो निकाली, एक स्क्रू होता है हमने वो निकाल लिया बाहर। अभी हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये गेज है, ये गेज को हमने इसके ऊपर लगा लेना है, मैग्नेट असेंबली में लगा लेना है इस तरीके से, इसको फिट कर लेना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने जो गेज है हमारा
अडोप्टर उसको फिट कर लिए हैं, देखिए इस तरीके से। और आपके पास जो है स्ट्रोक टेस्टर होना बहुत ज़रूरी है, देखिए हमारे पास ये स्ट्रोक टेस्टर है, अगर आपको ये चाहिए इसका लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने AHE मोड पे लेके आना है, उसकी जो सेटिंग है इस तरीके से कर लेनी है, और उसकी जो कनेक्शन है इस तरीके से करने हैं हमने, और यहाँ पे जीरो सेट कर लेना। देखिए हमने यहाँ पे जीरो सेट कर लिया है, जैसे हम स्ट्रोक टेस्टर को पुश करेंगे यहाँ पे हमारी लिफ्टिंग आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको जीरो सेट कर लिया है, जैसे वहाँ से पुश करेंगे, देखिए जैसे ही पुश किया हम यहाँ पे जो इसकी लिफ्टिंग आ रही है 50 आ रही है, यह लिफ्टिंग जो 50 से 55 के बीच रहनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं करनी है आपने, आपको दो तीन बार चेक कर लेना, ये दोबारा फिर चेक करते हैं एक बार और। तो देखिए दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रोक टेस्ट को दबाया तो यहाँ पे लिफ्टिंग हमारी 50 आ रही है, जो बिल्कुल ओके है, 50 से 55 के बीच रहने चाहिए। अलग अलग इंजेक्टर की अलग अलग होगी, हम जो है इंजेक्टर की इसकी कर रहे हैं 369 और 568 की, अगर हमारी जो लिफ्टिंग कम ज़्यादा आ रही है तो ये जो वासल थी उसको हम कम ज़्यादा करके इसकी लिफ्टिंग को बढ़ा सकते हैं, अगर कम आ रही है वाशर को मोटा करेंगे, अगर ज़्यादा आ रही है तो वाशर को पतला करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसकी जो है लिफ्टिंग सेट कर लेनी है, ये सिर्फ बड़ी वाशल से होगा। उसके बाद हम इसका जो वोल है और स्क्रू है उसको लगा लेते हैं, हम इसको टाइट कर लेते हैं। और जो इसके अंदर दोस्तों छोटी सी वाशल होती है जो आर्मेचर के अंदर पड़ती है, अगर हमने कंट्रोवाल नोजल नहीं डाल ली और फिर भी हमारी रीडिंग जो डिलीवरी है रिटर्न की ज़्यादा आ रही है तो हम इसको पतला करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों आगे जो है हमारी नोजल है उसको हम फिट कर लेते हैं, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमारी वाशल है इसको फिट कर लेते हैं। इस वाशल का साइज जो रहेगा 1.4 रहेगा, जो आइडल वाशल बोल देते हैं, अगर आइडल कम ज़्यादा आ रही है इस वाशल से हम कम ज़्यादा करेंगे। उसके बाद हमने स्प्रिंग डाल लिया, उसके बाद जो हमारा गाइड है गाइड बुशा वो लगा लिया, उसके अंदर दोस्तों एक वॉशल होती है छोटी, बच्चा टिक्की बोल देते हैं, टिकली बोल देते हैं या थर्ड मेम्बर बोल देते हैं, तो उसको फिट कर लेना इस तरीके से जैसे हमने वीडियो में दिखाया गया है। और उसके बाद इसकी डिमेंशन करनी है, जो लिफ्टिंग करनी है वो देखनी है। देखिए हमने ये पिनें नहीं लगानी, सिर्फ हमने जो है बच्चा टिक्की वगैरह लगा लिया इसमें, इससे हम जो हमारा ये अडॉप्टर है, देखिए यहाँ पे इसका नंबर भी दे रखा है 03 नंबर से, हमें जो टिक्की होती है आगे बच्चा टिक्की उसकी डिमेंशन देखनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको जीरो सेट कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने इसकी जो है जीरो सेट कर लिया है। अभी हम इसको ऊपर लगा के नोजल की जो है नोजल लिफ्ट सेटिंग वो देखनी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारी लिफ्टिंग आ रही है, यहाँ पे आपको दो तीन मिनट चेक करना है, ये 280 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें 280 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर आपने नोजल नहीं डाल दी और लिफ्टिंग ओके है, अगर आपकी रीडिंग कम ज़्यादा आ रही है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। टिक्की को मोटा करोगे तो रीडिंग आपकी कम होगी, और टिक्की को पतला करोगे तो रीडिंग आपकी बढ़ेगी, तो यहाँ से आपको इसको सेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने जो इसकी सेटिंग कर ली है, आपको इस पर आपको 280 से ज़्यादा नहीं जाना, 280 तक ही रखना है, कम ज़्यादा आ रही है टिक्की को हम मोटा और पतला करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी जो नोजल है उसको फिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम टोर्क लगाएंगे इसका, तो हम इसको नोजल है नोजल को फिट कर लेते हैं और इसको भी टोर्क से टाइट करेंगे। तो यहाँ पे इसका कैप लगा देते हैं, इसको हमने जो टाइट करना है 50 से 55 न्यूटन मीटर पे जाना है, सरफेस के हिसाब से होता है, अगर हमारा प्लेन है तो 50-55 जाना है, और अगर बटरफ्लाई है तो 55 से 60 न्यूटन मीटर में इसको टाइट करना है। तो हम इसको टाइट कर लेते हैं, हमने न्यूटन मीटर में सेट कर लिया हमारे टोरो क्रंच को, तो यहाँ पे हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने जो नोजल है उसको टाइट कर लिया है टोर्क से, और अभी हम इसको टेस्टिंग करेंगे कि हमारी जो डिलीवरी है कितनी आ रही है, अगर कम ज़्यादा आ रही है कहाँ से इसको ओके करना है सेट करना है। तो इसका एक टेस्टिंग अडॉप्टर है, इसमें हम फिट कर लेते हैं इसको और मशीन पर लगाते हैं। अगर इस तरह के डॉक्टर आपको चाहिए अलग अलग इंजेक्टर का, तो वो भी अभी आपको मिल जाएगा, उसका नंबर भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हो इसको। तो देखिए दोस्तों ये हमारा इंजेक्टर जो फिट हो गया है, अभी हम इसको जो है चेक करते हैं हमारी EPS 205 पे वॉश की मशीन पे। तो देखिए इसका सीरियल नंबर पार्ट नंबर वगैरह है जो हमने रिपेयर किया है, अभी हम इसको जो है मशीन पर लगाते हैं। तो देखिए ये इंजेक्टर हमने मशीन पर लगा लिया है, तो यहाँ पे हमने इसका सीरियल नंबर डाल दिया इंजेक्टर का,
तो सबसे पहले इसका जो है लीक टेस्ट देख लेते हैं। वीडियो लंबा ना हो थोड़ा वीडियो को स्किप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो लीक टेस्ट है बिल्कुल ओके आ रहा है, इसको हम टिक मार करते हैं और आगे जो VL की रीडिंग है वो देखते हैं। तो ये हमारी फ्लो डिलीवरी आएगी 1600 बार पे चेक होएगा दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे देखिए हमारी जो डिलीवरी है बिल्कुल ओके आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में आ रही है। अगर हमने लिफ्टिंग इसकी ओके रखे तो ओके आएगी बिल्कुल। और अभी इसकी जो रीडिंग है डिलीवरी है रिटर्न की वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी जो रिटर्न की डिलीवरी है वो भी बिल्कुल ओके आ रही है। अगर हमारी जो रिटर्न ज़्यादा आती है तो इसके अंदर जो छोटी आर्मेचर वॉशल होती है बिल्कुल छोटी सी, उसको हमें पतला करना है अगर हमारी रिटर्न ज़्यादा आ रही है। अभी हमारा जो EM है इमिशन टेस्ट है वो चेक कर लेते हैं कि हमारा इमिशन कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप जो हमारा इमिशन है वो भी बिल्कुल ओके आ रहा है, सेंटर में ही आ रहा है, कम ना ज़्यादा, तो बिल्कुल 0-0 आ रहे हैं। उसके बाद हमारी जो LL की रीडिंग है वो चेक कर लेते हैं, आइडल की है। अगर हमारा आइडल कम ज़्यादा आ रहा है तो आगे जो नोजल की साइड वाशर डलती है 1.4 की, अगर हमारी आइडल ज़्यादा आ रही है तो उसको चेंज करना, आपको कम या ज़्यादा करके आप उसकी जो आइडल की डिलीवरी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी ये डिलीवरी है LL की वो भी बिल्कुल ओके आ रही है। उसके बाद हमारी VA की जो डिलीवरी है उसको भी चेक कर लेते हैं और आगे इसका जो चार्ट आएगा वो भी देखेंगे कि हमारी जो डिलीवरी कितनी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी जो VA की डिलीवरी है वो भी बिल्कुल ओके आ रही है और ये चार्ट है इसका जो बिल्कुल ओके हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।